दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच पहला टेस्ट मुकाबला बारिश की वजह से देरी से होगा शुरू। तो कब और कितने बजे शुरू होगा ये पहला टेस्ट मुकाबला और इन 5 दिनों के टेस्ट मैच में कितने दिन बारिश आने की संभावना है, बताएंगे सारी जानकारी आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच T20 और वनडे सीरीज खेली जा चुकी है। T20 सीरीज 1-1 से बराबर रही, वहीं वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से सीरीज हराकर इतिहास रचा। और अब बारी है टेस्ट श्रृंखला की और इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की वापसी हो चुकी है और यह 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मुकाबला सेंचुरियन के मैदान पर 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक खेला जाएगा और इस मुकाबले का टॉस भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे होने वाला है। और वहीं इस मुकाबले की पहली गेंद दोपहर 26 दिसंबर को 1:30 पर फेंकी जानी है। लेकिन दोस्तों बुरी खबर यह है कि इन 5 दिनों के टेस्ट मुकाबले के पहले दिन बारिश आने की पूरी संभावना है, तो ऐसे में पहला दिन बारिश की वजह से धुल भी सकता है और वहीं दूसरे दिन भी बारिश आने की पूरी संभावना है। पहले दिन 81% बारिश आने की संभावना जताई गई है, वहीं दूसरे दिन भी 85% बारिश आने की संभावना है। यानी कि पहला और दूसरा दिन हमें पूरी तरह से 90-90 ओवर का मुकाबला देखने को नहीं मिल सकता और बाकी के बचे 3 दिन बारिश आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका का वेदर के हिसाब से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो ऐसे में यह मुकाबला शुरू होने में 26 दिसंबर को देरी भी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।